जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शानदार सभा रही। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे, लोग जुटे और शानदार भाषण हुआ। लेकिन हम बात इसकी नहीं कर रहे, बात हम ये कर रहे हैं कि क्या राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा, जिसके लेकर पिछले दिनों से चर्चा थी, क्या वसुंधरा राजे होगी? ये लंबे समय से एक सवाल था जो राजनीतिक क्षेत्रों में दोहराया जा रहा था। लेकिन आज इस सवाल से पर्दा पूरी तरह उठ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे की पूरी तरह नजरअंदाज की। मंच पर उनकी ओर देखा तक नहीं, जबकि सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ के साथ उन्होंने बात भी की और उन्हें तवज्जो भी दी। तो पिछले दिनों से एक बात ये तैर रही थी कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिस तरह से परिवर्तन यात्रा के शुरुआती दिनों के बाद से गायब हैं और परिदृश्य में नहीं हैं, और अचानक जयपुर आकर जिस तरह का बयान उन्होंने दिया कि मैं राजस्थान को छोड़कर कहीं नहीं जा रही, उसके बाद इस सभा का बेसब्री से इंतजार था कि आखिरकार क्या कोई बड़ी भूमिका उनकी हो सकती है, क्या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, किस तरह से वो इतने आत्मविश्वास के साथ ये दावा ठोक रही हैं। लेकिन ये सब दावे बेबुनियाद निकले, ये आत्मविश्वास अति विश्वास निकला। और मंच पर सबने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भाव नहीं दिया, वे लगभग पूरी तरह नजरअंदाजगी के आलम के साथ पेश आए और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी जगह बैठी रही। लेकिन उन्हें किसी तरह से कोई सामंजस्य उनके साथ बातचीत का दिखाई नहीं दिया और न ही उनके व्यवहार में कहीं उनके साथ कोई सामंजस्य दिखाई दिया। कुल मिलाकर अब भारतीय जनता पार्टी की ये तस्वीर साफ हो गई कि आने वाले दिनों में पार्टी अपने कैडर के आधार पर ही चुनाव लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर शायद ये चुनाव लड़ा जाएगा और उनके जितने प्रदेश स्तर का जो काडर है वो उस व्यवस्था को संभालेगा। एक और बात कि मंच का संचालन सांसद दिया कुमारी के हाथ था और उन्होंने बखूबी इसका संचालन किया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मंच पर दिया कुमारी संचालन कर रही है, वही दिया कुमारी जिसके साथ वसुंधरा राजे का 36 का आंकड़ा था, और उसी मंच पर जब उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो अब एक सीधा संदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में चले गया कि ये चुनाव पार्टी अपने दमखम पर लड़ेगी, किसी एक चेहरे के दम पर नहीं। ये बात तो हुई बीजेपी की, लेकिन इससे एक बात और अलग हुई और कुछ कुछ इसी तरह का मामला कांग्रेस में भी दिखाई दिया। पिछले दिनों कांग्रेस के आलाकमान राहुल गांधी जयपुर आए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हें वो सब मंजर दिखाने की जो विकास का उन्होंने खड़ा किया है। उन्होंने लोगों की उत्सुकता से उन्हें रूबरू करवाने की कोशिश की और एक परिदृश्य बनाया गया कि सरकार रिपीट हो रही है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये प्रयास भी कर रहे हैं कि किसी भी तरह कुछ भी करना पड़े लेकिन इस सरकार रिपीट होनी चाहिए, इसके लिए पूरी एडी से चोटी तक का चोप लगाए हुए हैं। लेकिन हताशा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी के उस बयान से हुई जो उन्होंने एक दिन बाद ही दिल्ली में दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हम जीत रहे हैं लेकिन राजस्थान में मुकाबला है। उस राजस्थान में मुकाबले की बात कही जहां अशोक गहलोत पूरी एडी से चोटी तक का जोर लगाए हुए सरकार को रिपीट करने में, और वे हर अपने भाषण में ये कहते हैं कि सरकार वापस आ रही है, तब आलाकमान का ये व्यवहार शायद उन्हें निराश करने वाला होगा। लेकिन एक बात की जो एक रूपता है वो ये है कि कांग्रेस में वसुंधरा राजे के साथ आलाकमान का व्यवहार या कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ राहुल गांधी का यह बयान उसी तरह की निराशा पैदा कर रहा है जैसा बीजेपी में वसुंधरा खेमे के लोगों के साथ हुआ। तो क्या दोनों पार्टी के आलाकमान ने प्रदेश के अपने उन शीर्ष नेताओं को
अलग थलग करने का सोच लिया है। क्या राहुल गांधी के इस बयान में कि राजस्थान में वे मुकाबले में हैं कहकर उन्होंने ये पल्ला झाड़ लिया कि राजस्थान में सत्ता ना आए तो भी ना आए वो इसके लिए मानसिक रूप से तैयार है? शायद कुछ ऐसा संदेश उस बयान के दौरान है, लेकिन इस तरह के संदेश जो कार्यकर्ता उत्साह के साथ पिछले दिनों से जुटे हैं सरकार को वापस लाने में, पार्टी को वापस सत्ता में लाने के लिए, उन पर कुठाराघात सा है। तो आज कुठाराघात वसुंधरा राजे के समर्थकों पर भी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये दोनों नेता किस तरह से इन नई परिस्थितियों के साथ अपने आप को स्थापित करते हैं, सामंजस्य रखते हैं और क्या नई रणनीति